मैं सोनम भाटी और मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी। जैसे मैं घर में रहती थी तो मुझे खांसी आती थी, तो खांसी में मुझे ब्लड आ गया, तो ब्लड आने पर थोड़ी सी मुझे टेंशन हुई। टेंशन के बाद मैंने फिर डॉक्टरों को दिखाया, और मतलब दो या चार जगह मैंने दिखाया डॉक्टरों को। तो उसके बाद मुझे लगा, जैसे डॉक्टरों ने मुझे राय दी कि आपको फंगल है, मेरा काफ़ी टाइम थोड़ा इलाज भी चला था कुछ 2-3 महीने, तो उसमें भी ये बताया। तो उसके बाद फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया घर में कि आप एक बार मैक्स हॉस्पिटल में दिखा लो। तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर विवेक नांगिया से बात की मैंने जाके। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार डॉक्टर कामरान अली से बात करो। टीबी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट करता है और बहुत कॉमनली लंग्स को इन्फेक्ट करता है। मिसेस सोनम जो हमारी पेशेंट हैं, उनको भी ट्यूबरक्लोसिस हुई कुछ आज से 15 साल पहले। टीबी का ट्रीटमेंट उन्होंने कम्प्लीटली लिया और टीबी ठीक हो गई, पर उसके बावजूद भी पिछले 4-5 साल से उनको रिपीटेडली खांसी करते समय मुंह से खून आ रहा था। ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है इसको हम पोस्ट टीबी सीक्वले बोलते हैं, यानी टीबी ठीक हो जाती है बट लंग्स के अंदर कुछ निशान, कुछ धब्बे, कुछ दाग छोड़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहती हैं। जब हमने उनका इवैल्यूएशन किया, सीटी स्कैन में देखा कि जो लेफ़्ट लंग का ऊपरी हिस्सा होता है जिसको हम लेफ़्ट अपर लोब बोलते हैं, वो कम्प्लीटली ख़राब हो गया था और खाली जगहों से रिप्लेस हो गया था जिनको हम कैविटीज़ बोलते हैं। ये जो ब्लीडिंग का सोर्स था ये लेफ़्ट अपर लोब ही था, क्योंकि ये दवाइयाँ और सारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑलरेडी ट्राई कर चुकी थी और ब्लीडिंग से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम इनका ख़राब लेफ़्ट अपर लोब को सर्जरी से रिसेक्ट कर देंगे। ऑपरेशन के बाद मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा और मतलब बहुत ही जल्दी से मैंने रिकवरी भी की, और इतने अच्छे से रिजल्ट मिला है कि जो उस चीज़ को देखूँ और इस चीज़ को देखूँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मुझे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अब इस जगह बैठी हुई हूँ। यानी मुझे कोई लग रहा नहीं था कि मैं मतलब ठीक हो भी सकती हूँ या नहीं, और मैं डॉक्टर विवेक नांगिया और डॉक्टर कामरान अली का दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब फॉलोअप में हमने मिसेस सोनम को दोबारा देखा तो वो काफ़ी खुश हैं। उनकी जो मेन कंप्लेंट थी मुँह से खून आने वाला, हिमोप्टेसिस, वो भी बंद हो चुकी है। अपने सारे कामकाज घर के वो नॉर्मली अपने आप कर पा रही हैं। फिज़िकल एक्टिविटी में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई सांस नहीं फूलती, कोई खांसी नहीं आती। सो शी इज़ बैक टू अ नॉर्मल लाइफ। और मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा जिनको बार बार खांसी में खून आता है कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। बहुत सारे लोग सर्जरी से, ऑपरेशन से डर जाते हैं और इधर उधर ट्रीटमेंट ही कराते रहते हैं सिर्फ दवाइयों से, बट जब लंग का कोई हिस्सा किसी भी बीमारी की वजह से ख़राब हो जाता है तो सर्जरी ही उसका एक लास्ट ऑप्शन होता है, और सर्जरी के बाद कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ जीना एक पॉसिबिलिटी है। और मैं जैसे ये पूरा नर्सिंग स्टाफ है, मैं इसका पूरा पूरा धन्यवाद करती हूँ, और जिसने भी जैसे मेरे साथ मतलब अच्छे से दवाई गोली मेरी केयर मतलब बहुत अच्छे से की, बहुत बहुत धन्यवाद मैक्स हॉस्पिटल का। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट हेल्थ केयर अपडेट्स।